नमस्ते दोस्तों, अगर टाइम कम हो और खाने का मन हो कुछ चटपटा सा, तो झटपट बनाइए ये आलू मसाला। इतना ज़बरदस्त और स्वादिष्ट लगता है, बहुत ही सिर्फ 5 मिनट में बन जाएगा। इसे आप टिफिन में ले जा सकते हैं, बच्चे के टिफिन में दे सकते हैं, या तो रोटी के साथ खा सकते हैं, या तो दाल चावल के साथ भी बना सकते हैं। इतना ज़बरदस्त ये लगता है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम क्या करते हैं, झटपट से हम अपना आलू मसाला बना लेते हैं। तो जिसके लिए देखिए, हमने आधा के जो आलू को बॉईल करके पहले से ही ले लिया है और इसे हम छिलका निकाल लिया। अभी चलिए हम इसे क्या करते हैं, एक स्पून से, या तो आपके पास स्पून है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी कटकी ले लीजिए, किसी भी चीज़ से इसे छेद करने से कर देंगे हम, जिससे इसमें मसाला जो है अच्छे से अंदर तक जाए और इसका टेस्ट और दोगुना हो जाए। तो देखिए, सारे आलू को जो हमने छेद कर लिया, अभी इसको हम थोड़ा सा चटपटा फ्लेवर देते हैं, जिसके लिए थोड़ी सी हमने नमक ले लिया। अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा, मतलब कम ही डालिएगा। तो देखिए, थोड़ा सा हमने इसमें हल्दी पाउडर और थोड़ी सी हमने काश्मीरी मिर्च ले लिया है, लाल मिर्च, और दोनों सभी चीज़ को हम क्या करते हैं, टोस्ट कर लेते हैं। अगर चाहे तो आप ऐसे भी फ्राई करके इसे खा सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा आप हल्का सा जीरा पाउडर और चाट मसाला डाल दीजिएगा, और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट खाते हैं तो डाल के उसको फ्राई कर लीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो हमने तो उसे साइड में रख दिया, और इधर हमने थोड़ी सी मसाला दिखा देते हैं, जिसके लिए हमने 2 से 3 हरी मिर्च ले लिया है, 2 टमाटर को हमने बारीक चॉप करके ले लिया, 2 बड़े साइज का हमने प्याज ले, इसे भी ऐसे लंबे लंबे स्लाइस में हम कट कर लिया। तो चलिए, इसे भी हम साइड में रखते हैं। अब फटाफट क्या करते हैं, हम कढ़ाई को गर्म करते हैं। इसमें 4 बड़े चम्मच हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, यानी कि सरसों का तेल। तो स्पेशली मैं इसमें सरसों के तेल में ही बनाइएगा, बहुत ही इसका अच्छा फ्लेवर टेस्ट आता है। अगर नहीं खाते तो कोई बात नहीं, आप मीठा तेल में भी बना सकते हैं, कोकिन ऑयल में भी। तो देखिए, हम तेल को अच्छे से गर्म होने दीजिए। जब तेल अच्छे गर्म हो जाए, उसके बाद ही इसमें आलू डालेगा, और चारों तरफ से तेल डालने से जो है हमारा आलू चिपकेगा नहीं। और इसे हमें हाई फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिएगा अच्छे से। तो इसे आप अगर सब्जी नहीं बना रहे हो, ऐसे ही खा रहे, तो थोड़ा अच्छा सा और फ्राई कर लीजिए, नहीं तो सब्जी बनाएंगे तो देखिए हो गया। इसे आप मसाला भी बना सकते हैं, ग्रेवी वाला भी बना सकते हैं इसी तरीके से। स्पेशली अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं तो प्याज का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा दीजिएगा, और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है प्याज का। तो चलिए, हम फटाफट क्या करते हैं, सभी को निकाल लेते। तो हमारा हो गया है आलू फ्राई करके, तो हम निकाल लेते। तो देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है, देखने से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो चलिए, इसे साइड में रखते हैं, हम फटाफट क्या करते हैं, मसाला बना लेते। जिसके लिए देखिए, 2 तेज़पत्ता, थोड़ी सी हमने जीरा और थोड़ी सी हमने राई ले लिया। तो दोनों चीज़ का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, तो इसके लिए दोनों चीज़ थोड़ा थोड़ा ले लिया, और एक दालचीनी का टुकड़ा छोटा सा तोड़ के हमने डाल दिया। और गैस को हमने मीडियम ही रखा है, इसमें हम प्याज जो कट करके लिए थे वो हम डाल देते। तो प्याज को हमें बारीक नहीं चॉप करना है, इसी तरीके से लंबे लंबे स्लाइस में कट करना है, जिससे ये बहुत ही अच्छा लगता है। और इसे हमें सौती होने तक भूनना है। तो देखिए, हमने पहले हींग डालना रह गया था, तो हम अभी डाल दे रहे हैं। तो प्याज को हमने साइड करके डाल दिया। तो आप पहले ही में तेल में डाल दीजिएगा प्याज डालने से पहले। तो चलिए, इसे हमें हल्का सा भूनना है, हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा सौती करना है। तो देखिए, अच्छे से कंटिन्यू चलाते हुए इसे हाई फ्लेम पे हमें सौती करना। तो ये खास ध्यान रखिएगा, जो आपका प्याज जो है जले ना, अगर जलेगा तो इसका टेस्ट जो है बिगड़ जाएगा। तो ये खास ध्यान रखिएगा, इसे कंटिन्यू चलाते हुए हमें इसे भूनना है। तो देखिए, इसी में हम क्या किए, मिर्ची डाल दिए, और अभी हम अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डाल दिए। अगर खाते हैं तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। तो अभी हम, या तो आप ऐसे भी लहसुन अदरक को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, या तो कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, मतलब कुटा हुआ भी डाल सकते हैं। तो हम डाल के इसे भी 2 मिनट, जब तक कच्चापन दूर ना हो जाए अदरक लहसुन का, तब तक हमें इसे भूनना है, बस 2 मिनट। तो हमारा अदरक लहसुन भी भून चुका है, इसमें हम क्या करेंगे, टमाटर डाल देते हैं। तो हम टमाटर भी डाल के अच्छे से इसमें पहले मिला लेते हैं, और टमाटर गया तो अभी क्या जाना है, नमक। तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा, मैं इसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया था, तो मैंने पहले भी डाला था और बाद में भी मैंने डाल दिया। तो ये ध्यान रखिएगा, खास मैं एडिटिंग करते टाइम पे मैंने ध्यान दिया, इसके लिए मेरा हल्का सा, मतलब ज़्यादा नहीं हुआ था, हल्का सा नमक ज़्यादा हो गया था। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लीजिएगा, तो ये खास ध्यान रखिएगा। अभी देखिए कितनी कम तेल, बहुत ही कम मसाला इसमें इस्तेमाल होता है। देखिए, हम छोटी चम्मच से 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च डाल दिए, 1/2 चम्मच हमने हल्दी पाउडर और 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर, एकदम जैसे मतलब 1/4 टीस्पून के बराबर हमारा मसाला। इसी हिसाब से सभी मसाला डाल दिए, क्योंकि इसमें बहुत ही कम मसाला लगता है और इसका टेस्ट इतना बढ़िया लगता है,
तो हम बता नहीं सकते, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। तो सभी चीज़ को भुनने के बाद लास्ट में हम इसमें डाल दिए 1 चम्मच भाजी मसाला, अगर आपके पास हो तो डालिए, नहीं तो इसकी जगह आप जीरा पाउडर ले लीजिए। तो देखिए था तो इसके लिए हमने थोड़ा सा डाल दिया। अभी 2 चम्मच हम पानी डाल के मसाले को क्या करेंगे, अच्छे से भून लेंगे, जिससे मसाला का जो है कच्चापन दूर हो जाए और हमारा अच्छे से भून जाए, क्योंकि हम इसमें पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, ग्रेवी सूखा ही बनाएंगे। तो देखिए अच्छे से जो हमारा मसाला का तेल छूट चुका है, ये देखिए अब प्याज भी कितना लच लच दिख रहा है ना, तो ये हमारा जो है भून गया है मसाला। तो चलिए इसमें क्या करते हैं, अपना आलू फ्राई किया हुआ इसमें डाल देते हैं और इससे अभी हम चला लेते हैं अच्छे से। ये देखिए तो इस तरीके से अच्छे से आप फ्राई करके भी बाद में भी आलू में छेद कर सकते हैं, या तो पहले हमने पहले ही कर लिया था, दोबारा नहीं किया। अभी इसे हम अच्छे से कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे। तो देखिए इसका थोड़ा सा और चटपटी सा फ्लेवर देने के लिए ये देखिए हमने इसमें डाल दिया 1 मुट्ठी भर के कस्तूरी मेथी, आपके पास हो तो ज़रूर डालिए, इसका भी टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त लगता है आलू मसाला में, तो हो तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं स्किप कर सकते हैं। तो देखिए हम इसे डाल के मिक्स कर लेते हैं। ये स्पेशली मेरा जो है सबसे ज़्यादा फेवरेट आलू है, मुझे आलू बहुत पसंद है, स्पेशली मैं ज़्यादा टाइम इसी तरीके से आलू बनाती हूँ। इस बार मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ ही शेयर किया जाए, तो बहुत जन को आलू पसंद होता है, बहुत जन नहीं खाते हैं। तो देखिए हम इसमें लास्ट में हम क्या किया, धनिया पत्ता भी डाल के अभी दोनों चीज़ को हम 2 से 3 बार अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए अच्छे से हमने मिक्स करके अभी हम क्या करेंगे, इसे ढक के सिर्फ 2 मिनट इसे हम जो इसे अच्छे से आलू को अंदर फ्लेवर मसाला का चला जाए इसके हिसाब से हम 2 मिनट ढक के पकाएंगे, बस 2 मिनट, ज़्यादा नहीं। देखिए टोटल 5 मिनट भी नहीं लगता है, इतना जल्दी ये बनता है। तो देखिए हमारा बन गया, तो झटपट हम इसे सर्व कर रहे हैं, इतना इसका ज़बरदस्त खुशबू आ रहा है हम बता नहीं सकते, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए हमारा जो आलू मसाला है बन गया है, तो इस पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अनियन डाल देते हैं पतला पतला स्लाइस में कटा हुआ, और थोड़ी सी हम नींबू डाल के इसको इंजॉय कीजिए, इतना ज़बरदस्त लगता है, तो आप ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट करके बताना ना भूलेगा जो आज का जो आपका हमारा आलू मसाला है आपको कैसा लगा फ्रेंड्स। अगर हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आता हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। और हमारे फेसबुक पेज पर अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, इतना स्वादिष्ट और ज़बरदस्त सिर्फ 5 मिनट में बनने वाला आलू मसाला आप बच्चे का टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं, आप खुद लंच बॉक्स में भी ले जा सकते हैं। तो देखिए देखते ही किसी को भी मुंह में पानी आ जाए, इसके आगे नॉनवेज भी फैले अगर एक बार आप इस तरीके से आलू मसाला बनाएंगे तो। तो चलिए आज मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, थैंक यू सो मच हमारे वीडियो देखने के लिए।